जय हिंद स्टूडेंट्स, मिसलेनियस चैप्टर 11, क्लास 11, क्वेश्चन नंबर 4। बच्चों, इस वीडियो में हम तीन क्वेश्चंस लेंगे, एक लेंगे 4, फिर हम लेंगे 5th एंड देन आई विल टेक 7th, बिकॉज दीज थ्री क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन एलिप्स। ये जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है, इसमें या तो पैराबोला है या एलिप्स है, हाइपरबोला का एक भी सम नहीं है। तो पैराबोला हमने लिए अलग वीडियो में, और इस वीडियो में हम ले रहे हैं क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एलिप्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, एन आर्च, फिर से वही बात है, आर्च या आर्क, ये आर्च ठीक रहेगा बोलना। एन आर्च इज इन द फॉर्म ऑफ अ सेमी एलिप्स। ओके, इट इज 8 meters वाइड एंड 2 meters हाई एट द सेंटर। फाइंड द हाइट ऑफ द आर्च एट अ पॉइंट 1.5 meter फ्रॉम वन एंड। एक मेहराब अर्ध दीर्घ वृत्ताकार रूप का है, यह 8 meter चौड़ा और केंद्र से 2 meter ऊंचा है। एक सिरे से 1.5 meter दूर बिंदु पर मेहराब की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आपको याद होगा ये क्वेश्चन हम इलिप्स के टाइम पर, सॉरी, पैराबोला के टाइम पर भी कर चुके हैं। तो ये बच्चों, थोड़ा मैंने ऊपर बना दिया, लेकिन ठीक है, ये ऐसा इलिप्टिकल है। देखो, मेहराब है ना, यानी कि किसी मॉन्यूमेंट में, किसी पुराने किले में, या फिर चलो कहीं पर भी ये बनाई गई है ऐसे, जो डेकोरेशन के लिए बिल्डिंग्स में ऊपर रहती है। हमें तो इसको मैथमेटिकली सॉल्व करना है, सेमी इलिप्टिकल है। तो इसकी जो बच्चों पूरी लेंथ है ना, टोटल लेंथ, ये जो इसकी विड्थ बोला उन्होंने, लेकिन वो लेंथ है, तो ये वाली विड्थ है ना, ये आपको लेंथ ऑब्लिक विड्थ कर लो, ठीक है, यानी कि चौड़ाई समझ लो। और ये चौड़ाई बच्चों मैं देख रही हूँ दी हुई है 8 meters। ओके, तो फिर ये क्या है, अब आप जान गए हैं बहुत अच्छे से, इट इज़ 2a, है ना। 2a कितना, 8, तो फिर a कितना, 4, got it, a तो आ गया कितनी इजीली। उसके बाद उन्होंने कहा कि ये सेंटर से 2 meter ऊंचा है, यानी कि ये क्या है, ये है सेमी माइनर एक्सिस, यानी कि अर्ध लघु अक्ष, अर्ध लघु अक्ष है ना, सेमी या हाफ। देखो ना, अगर ये पूरा होता तो ये होती ना बेटा 2b, तो यहाँ से यहाँ तक, तो फिर हाफ हाफ कितनी होती है, b, है ना। तो इसको हम लिखेंगे, इंग्लिश में लिखेंगे सेमी माइनर एक्सिस। ओके, हिंदी में लिखेंगे अर्ध लघु अक्ष, ठीक, ये बी होगी, बी, और ये कितनी दी है, 2 meter, मीटर है ये, ठीक है, 2 meter ऊंचा है, नीचे भी है 2, तो टोटल 4, लेकिन ज़रूरत हमें सिर्फ बी की है। तो बच्चों, मेरे पास ए है, मेरे पास बी भी है, ओके, तो इसकी इक्वेशन रेडी हो सकती है। और चूंकि एक्स एक्सिस के अलोंग है, तो इक्वेशन क्या होगी, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहाँ पर आप लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे कि इक्वेशन ऑफ एलिप्स विल बी, हाँ, दीर्घ वृत्त का समीकरण होगा, या की समीकरण होगी, एक्स स्क्वायर अपॉन ए कितना है, 4, तो 4 स्क्वायर, वाई स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1, दैट मीन्स फाइनल इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू 1। ये आ गई आपकी इक्वेशन, बट इक्वेशन नहीं पूछी उन्होंने, उन्होंने क्या पूछा, उन्होंने कहा एक एंड पॉइंट से 1.5 meter दूर, ये पूरा 4 हुआ कि नहीं हुआ, टोटल 8 है बच्चों, ये पूरी विड्थ 8 है, तो फिर यहाँ से यहाँ तक हुई 4, यहाँ से इधर चलो 1.5 meter, 1.5 meter, तो बच्चों यहाँ से यहाँ फिर कितना हुआ, 2.5 ही तो हुआ, है ना, टोटल 4 है ना, ये पूरा 8 है, 8 का आधा 4, यहाँ पर इसकी ऊंचाई पूछ रहे हैं, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स इधर से लिए एक्स एक्सिस से, तो इसका एप्स किसा आया 2.5, और ये हाइट मुझे बतानी है, तो मैं इसको एच ले लेती हूँ, हाइट है ना। तो अब इस चीज़ को आप लिखेंगे कैसे, इसको कुछ नाम देना पड़ेगा, ए बी, और इसको दे दीजिए सी, और इस पॉइंट को बोल दीजिए पी। तो अब आप यहाँ पर लिखेंगे ए बी इज़ इक्वल टू 8, ए बी 8 है,
तो फिर OB होगी 8/2, दैट इज 4 मीटर चल रहा है बच्चों, हाँ मीटर, ये तो बड़ा सा आर्च है ना, तो OB आ गई आपकी 4 मीटर. अब इट इज़ गिवन दैट, इट इज़ गिवन दैट, ये दिया हुआ है, यह दिया हुआ है कि BC आपको 1.5 मीटर लेनी है. तो फिर OC कितनी होगी, OB माइनस BC, दैट मीन्स 4 माइनस 1.5, दैट मीन्स 2.5 मीटर्स. ठीक है, लेट द हाइट ऑफ आर्च एट C बी H मीटर्स. ठीक है, माना मेहराब, या मेहराब होता है शायद, मेहराब की ऊंचाई बिंदु C पर H है, H मीटर है. ठीक, तो बिंदु P के निर्देशांक होंगे, बिंदु P के निर्देशांक होंगे, यहाँ हम लिखेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P विल बी, क्या हो जाएंगे, 2.5, H. गॉट इट. अब ये पॉइंट एलिप्स के ऊपर है, तो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. अब नहीं लिख रही हूँ मैं, बोल कर बता रही हूँ. ठीक है, आप लिखेंगे सिंस पॉइंट P लाइज ऑन द एलिप्स, देयरफॉर इट मस्ट, या इट्स कोऑर्डिनेट्स मस्ट सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ द एलिप्स. चूँकि बिंदु P अर्ध दीर्घवृत्त पर स्थित है, अतः बिंदु P के निर्देशांक इस वृत्त की, सॉरी दीर्घवृत्त, अर्धवृत्त नहीं बोलो, दीर्घवृत्त, इस दीर्घवृत्त के समीकरण को संतुष्ट करेंगे. अर्ध नहीं बोलना, एलिप्स बोलना. ठीक है, दीर्घवृत्त तो रख दे. इक्वेशन थी हमारी x2/16 प्लस y2/4 इज इक्वल टू 1. पुट करते हैं x के प्लेस पर 2.5/16 प्लस y के प्लेस पर h. ओके, तो h2/4 इज इक्वल टू 1 माइनस 6.25/16. थोड़ा सा कैलकुलेशन हम अगर अपने मन में कर ले तो ये आ जाता है. कैसे, 16 में से 6 गया 10, और 10 में से 0.7 गया तो 9.75 है ना, तो 0.25 गया तो हो गया. अब ये कैंसिल कर दो, 4 4s are 16, अब h स्क्वायर डिवाइड किया हमने. ठीक है, 4 2s are 8, 4 4s are 16, और 4 3s are 12, फिर 4 7s are 28, 4 इतना कुछ आने वाला है. ओके, एक बार देख लो, 4 2s are 8 16 15. ठीक है, अब बच्चों इसका हमें लेना है स्क्वायर रूट. गॉट इट. अब मेरी बात सुनो, आपने क्लास 8th में, अरे यार गलत लग गई, ऊपर लगेगी. ठीक है, ऐसे ऐसे ऐसे, क्लास 8th में आपने अप्रोक्सीमेशन सीखा होगा. अप्रोक्सीमेशन में क्या होता है, बिना स्क्वायर रूट निकाले लगभग आंसर हम बता देते हैं, उससे कर लेना बेस्ट रहेगा. और नहीं तो फिर ये तो है ही अपना देसी तरीका, है कि नहीं. चलिए अब हम इसका लेते हैं, ये हो जाएगा 1 1 ज़ा 1. ओके, बचा कितना 1, डेसिमल यहाँ आ जाएगा, ये हो गया 143. 1 का डबल किया हमने, आया 2. 7 से ज़्यादा हो जाएगा, 6 लगाते हैं. ओके, 6 लगाया, 6 6 ज़ा 36, 6 2 ज़ा 12, और 3 ये भी ज़्यादा हो रहा है, 5 ही काफ़ी है, 5 25 5 125, ये तो हमें आता है. 13 में से 5 गया 8, और ये बचा 18. ऊपर से कॉपी किया आपने 75, 15 का डबल किया तो आया 30. 3 6 ज़ा 18 होता है, 6 से ट्राई करते हैं, हो जाएगा 6 6 ज़ा 36, 183 है ना, तो 1.56 काफ़ी है. H square is equal to, H is equal to 1.56. ठीक है, और अंत में अपने उत्तर को शब्दों में ज़रूर लिखना चाहिए, ये आपको पता होगा, क्योंकि क्वेश्चन भी शब्दों में है तो हमारा उत्तर भी शब्दों में आएगा, तब हम इसको मीटर लिखेंगे. यहाँ पर तो हमने इसको अंकों में बता दिया. ठीक है, नाउ फोर्थ के बाद बच्चों हमें करना है क्वेश्चन नंबर 5. देखिएगा ध्यान से, अ रॉड
ऑफ लेंथ 12 सेंटीमीटर ऑफ अब देखो अ रॉड ऑफ लेंथ 12 सेंटीमीटर मूव्स विद इट्स एंड्स ऑलवेज टचिंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस डिटरमाइन द इक्वेशन ऑफ द फोकस ऑफ अ पॉइंट पी ऑन द रॉड विच इज 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द एंड इन कॉन्टेक्ट विद द एक्स एक्सिस एक 12 सेंटीमीटर लंबी छड़ इस प्रकार चलती है कि इसके सिरे निर्देश अक्षों को स्पर्श करते हैं छड़ के बिंदु P का बिंदु पथ ज्ञात कीजिए जो X अक्ष के संपर्क वाले सिरे से 3 सेंटीमीटर दूर है ओके चलिए अब इसके लिए इमेजिनेशन काम करेगी हमारी कल्पना हमें इसमें इमेजिन करना है कि जो हो रहा है ये क्या हो रहा है कैसे हो रहा है ओके ये अपनी कोऑर्डिनेट एक्सिस है बच्चों हाँ एक 12 सेंटीमीटर की छड़ है ये देखिए ऐसे इसकी लंबाई है 12 सेंटीमीटर ये जो एक्स सिरा है एक्स इससे 3 सेंटीमीटर ऊपर एक पॉइंट है एक कुछ भी आप यहाँ पे पॉइंट लगा दो एक निशानी सी लगा दो ठीक ये जो रॉड है इसको आप चला रहे हो देखना ध्यान से कल्पना करना और इसकी एंड पॉइंट्स के लिए ये है कि ये वाला एंड पॉइंट हमेशा वाई पर ही रहना चाहिए इसका ये एंड पॉइंट एक्स पर ही रहना चाहिए अब तुम रॉड को चलाओ तो मैं एक छोटा सा कोई पीस लेती हूँ ये मेरे पास एक वैक्स कलर है ठीक है और मेरा पॉइंट जो है बच्चों वो यहाँ पर है ठीक है अब सिर्फ आपकी नज़र यहाँ इस पॉइंट पर होनी चाहिए अब आप बताइए ये ऐसे मूव कर रहा है ये ऐसे आया ऐसे पॉइंट कहाँ आ गया पॉइंट ऐसे घूम के आया कि नहीं यहाँ पर है ना देखो दोबारा देखो ये है ये ऐसे क्योंकि हमसे कहा गया है कि इसके एक्सिस के जो एंड पॉइंट्स हैं वो चेंज नहीं होंगे अब ये ऐसे और ये काफ़ी यहाँ तक चला गया ऐसे तो इसकी शेप कुछ ऐसी हुई ऐसी आप देखो ठीक तो इस तरीके से आपको बस इमेजिन ही करना है इसमें और तो कुछ आप कर नहीं सकते तो ये कुछ सेमी एलिप्टिकल चीज़ मिल रही है सेमी एलिप्टिकल तो ये एलिप्टिकल रास्ता माना जाएगा ठीक तो इस तरह से एलिप्स बनाना है इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएं तो बस काम बन जाए तो ये कितना है ये आपका है 3 सेंटीमीटर इतना पोर्शन और टोटल कितनी थी लेंथ 12 तो ऊपर का पोर्शन कितना रह गया 9 है ना इसका कुछ नाम रखते हैं ए बी और इसका नाम रख दिया हमने सी तो सी पॉइंट तक की डिस्टेंस 3 है और सी से बी तक की डिस्टेंस 9 ओके और ये हमको मिल कैसा रहा है एलिप्टिकल तो इसकी इक्वेशन होनी चाहिए एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 यानी कि हमको ए और बी मालूम करने और ए और बी कहाँ से मालूम होंगे अगर हमको पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स मिल जाए ठीक चले तो क्या करते हैं यहाँ से एक पैरेलल लाइन बनाते हैं एक्सिस एक्स एक्सिस के पैरेलल और यहाँ से बनाते हैं वाई एक्सिस के पैरेलल ऐसे हमने दो लाइंस बनाई जिससे कि हम इसका कोऑर्डिनेट पता कर सकें इस एंगल को अपने मन से थीटा अल्फा बीटा गामा कुछ भी ले लो ये थीटा तो बच्चों फिर ये भी थीटा क्यों क्योंकि ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं और ये ट्रांसवर्सल है समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काट रही है तो संगत कोण हमेशा बराबर होते हैं तो ये दोनों कोण इक्वल हो गए ये डिस्टेंस ये कौन सा होगा वाई कोऑर्डिनेट और ये होगा हमारा एक्स कोऑर्डिनेट तो अगर मुझे वाई कोऑर्डिनेट चाहिए तो मुझे ट्राइंगल लेना पड़ेगा सी डी ए ठीक हमें लेना होगा त्रिभुज सी डी ए इसमें हमको क्या मालूम है कर्ण हाइपोटेनियस मालूम है क्या निकालना है लंब यानी कि परपेंडिकुलर कौन सा रेशो साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस है ना तो फिर ये हो गया साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है बच्चों सी डी सी है ये पॉइंट सी है वो ओ जैसा हो गया सी डी और हाइपोटेन्यूस कितना है 3 ओके तो सी डी कितना आ गया 3 साइन थीटा यानी इस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट हमको मिल गया 3 साइन थीटा ठीक है
अब आते हैं एक्स कोऑर्डिनेट, ये रहा एक्स कोऑर्डिनेट, और एक्स कोऑर्डिनेट बच्चों हमको मिलेगा इस ट्राइंगल में, इसका नाम मैंने रख दिया ई, तो बी ई सी, ट्राइंगल बी ई सी में देखिए हमको क्या मालूम है, हाइपोटेन्यूस कितना है 9, हमको क्या चाहिए, बेस, बेस चाहिए है ना, कौन सा थीटा, कॉस थीटा, क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो ये हो गया कॉस थीटा, बेस कितना है ई सी और हाइपोटेन्यूस कितना है 9, तो फिर ई सी आ गया 9 कॉस थीटा, ओके, तो ये पॉइंट हो गया 9 कॉस थीटा, ठीक। नाउ कंपेयर इट विद एक्स वाई, इसको आप एक्स वाई से कंपेयर करो, तो एक्स इज इक्वल टू 9 कॉस थीटा, ठीक, तो cos थीटा इज इक्वल टू व्हाट, x अपॉन 9, और यहाँ से y कितना आ जाएगा 3 sin थीटा, तो फिर sin थीटा क्या हो गया y अपॉन 3, समझे आप, आपको sin और cos मिल गया, ट्रिग्नोमेट्री बहुत हेल्प करती है हमारी, मैं यहीं पर ले रही हूँ, ठीक है, जिससे कि मुझे पेज बार बार पलटना ना पड़े। आपको पता है एक फॉर्मूला, एक आइडेंटिटी, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, cos थीटा कितना है बच्चों x अपॉन 9 होल स्क्वायर प्लस y, sin थीटा की वैल्यू है y अपॉन 3, तो अब आपका आंसर आपके पास है और वो है x स्क्वायर अपॉन 81 प्लस y स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1। इसके ए और बी हम किसी और प्रकार से नहीं, ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से बहुत इजीली निकाल पाए, ठीक, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है, गॉट इट। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन पर, जो हमें लेना है क्वेश्चन नंबर 7, ओके, क्वेश्चन नंबर 7, A man running a race course notes that the sum of the distances from the two flags post from him is always 10 meter and the distance between the flag post in is 8 meters. Find the equation of the post traced by the man. एक व्यक्ति दौड़ पथ पर दौड़ते हुए अंकित करता है कि उससे दो झंडा चौकियों की दूरियों का योग सदैव 10 मीटर रहता है और झंडा चौकियों के बीच की दूरी 8 मीटर है। व्यक्ति द्वारा बनाए पथ का समीकरण ज्ञात कीजिए। कुछ आपको याद आ रहा है? इससे आपको एकदम से देख के समझ में आना चाहिए कि सम ऑफ द डिस्टेंसेस है ना, याद आया, योग, तो ये कब होता है, जब एलिप्स बनता है, सिंपल सी बात है। उन्होंने बोला नहीं है कि ये क्वेश्चन एलिप्स का है, लेकिन आप समझ सकते हो इसके शब्दों से, आपको इशारा मिलता है कि दूरियों का योग यानी कि एलिप्स की बात हो रही है। अब आपने ये झंडा वाला जो गेम वेम होते हैं, मैंने तो नहीं देखे, आपने देखे होंगे, दो फ्लैग पोस्ट है, मान लीजिए ये F1 है और ये F2 है, ठीक है। अब एक घुड़सवार है, वो ऐसे दौड़ रहा है ऐसे, और बस एक चीज़ का वो ध्यान रखता है कि ये दो, जैसे यहाँ पर है तो ये डिस्टेंसेस का जो सम है, हाँ, अगर यहाँ है तो भी वो सम उतना ही रहना चाहिए, अगर यहाँ है तो भी वो सम उतना ही रहना चाहिए, और अगर यहाँ है तो तब भी तो उतना ही रहना चाहिए, है ना। तो फिर ये क्या होता है, आपको याद आया कुछ, ये पी पॉइंट, जब आपने, आपको मैंने पूरा इसकी इक्वेशन डेराइव करना सिखाया था बेटा, मैं उसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दूंगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। तो चलिए पहले क्वेश्चन एक बार और, दो झंडा चौकियों की दूरी का योग सदैव 10 मीटर रहता है, तो मैं थोड़ी देर के लिए, अच्छा ये चौकियों के बीच की दूरी कितनी दी है, ये F1 और F2 के बीच की डिस्टेंस, ये डिस्टेंस दी है 8 मीटर, ठीक, और थोड़ी देर के लिए आप ये इमेजिन करो कि ये घूमते घूमते यहाँ आ गया, कहाँ आ गया, P पर आ गया, तो P F1
प्लस पी एफ टू कितना होना चाहिए 10, यानी कि ये कहीं भी रहे, ये पी वन, ये पी टू, ये पी थ्री और भी कहीं भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, कहीं भी रहेगा इसके डिस्टेंसेस का सम हमेशा 10 रहेगा। अब मैंने इमेजिन क्या किया बच्चों, मैंने इमेजिन किया कि ये यहाँ पर है, तो पी एफ वन प्लस पी एफ टू होना चाहिए 10। अब चूंकि इस सम को हम मैथमेटिकली सॉल्व कर रहे हैं तो मैं इसकी कोऑर्डिनेट एक्सिस भी प्रॉपरली बना देती हूँ। ओके, ये वाई एक्सिस है और ये जिस पर फोकस है ये हमारी एक्स एक्सिस है, जो कि होती ही है, आपको मालूम है। चलिए, ये सेंटर है ओ, मुझे बताइए ओ पी कितनी होगी। ओ पी आप जानते हैं मेजर एक्सिस का हाफ है ना, ये अर्ध दीर्घ अक्ष है या सेमी मेजर एक्सिस है, तो ये ए होगी, है ना। अच्छा, ओ एफ टू कितनी होगी, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी दी है 8, तो ओ एफ टू बच्चों कितनी होगी 4 होगी ना, है ना। और एफ वन ओ ये भी 4 होगी, तो ये मेरी प्रिपरेशन हो चुकी है। अब मुझे चाहिए पी एफ वन प्लस पी एफ टू इज इक्वल टू 10 होना चाहिए, तो पी एफ वन को मैं ब्रेक कर रही हूँ, देखना बच्चों ध्यान से। एफ वन पी पहले मैंने लिया, एफ वन ओ फिर हम लेंगे ओ पी, तो एफ वन ओ प्लस ओ पी हो जाएगा। प्लस अब आ जाइए पी एफ टू पर, तो पी एफ टू कैसे आएगी, ओ पी माइनस ओ एफ टू, ओ पी माइनस ओ एफ टू इज इक्वल टू 10। तो एफ वन ओ, एफ वन ओ इज 4 है ना, प्लस ओ पी इज ए, अगेन ओ पी इज ए। एंड ये बच्चों बताना मेरे लिए ज़रूरी था कि वैसे तो मैं डायरेक्ट बता सकती थी आपको कि 2a इज इक्वल टू 10, लेकिन आपके मन में आता कि ऐसा क्यों, तो मैंने प्रॉपरली इसको बता दिया कि ये जो डिस्टेंसेस हैं P से F1 और F2 का सम हमेशा 10 है, तो 2a ही 10 है, इसका मतलब 2a 10 है, लेकिन क्यों है मैंने बता दिया। तो अब आपके पास a है और C तो पहले से ही था, C कितना था 4, तो B निकालना क्या मुश्किल है, एकदम ईजी है। B क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, दैट इज 25 माइनस 16 दैट इज 3। अब आपके पास A है, आपके पास B है, तो इक्वेशन एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए कितना आया 5, तो 5 स्क्वायर, ठीक, और वाई स्क्वायर अपॉन बी कितना है 3 स्क्वायर, सो योर फाइनल आंसर इज एक्स स्क्वायर अपॉन 25 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1। ये जिस रास्ते से जा रहा है वो एलिप्टिकल है, यानी कि दीर्घवृत्त के आकार का है, और उसका समीकरण ये बन रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आपकी मिसलेनियस एक्सरसाइज के साथ साथ ये चैप्टर भी समाप्त होता है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद।